दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जियो का एक प्लान आपको देखने को मिलता था माई जियो एप्लीकेशन के अंदर या फोन पे कहीं से भी आप रिचार्ज करते थे 395 का, और वो प्लान सबका फेवरेट था। और उसका कारण यह था कि उसमें आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, 6 GB आपको डाटा मिलता था, और उसमें आप 5G अनलिमिटेड चला सकते थे पूरे 84 दिन तक। जैसे यहाँ पे 3 जुलाई से सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज के रेट यहाँ पे बढ़ाए, अपनी प्राइस हाइक की है, तभी से जियो की एप्लीकेशन से और सभी प्लेटफॉर्म से 395 के रिचार्ज को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। अब यूजर काफी उसको सर्च कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे उन्हें यहाँ पे प्लान देखने को नहीं मिल रहा। पहले यहाँ पे हम वैल्यू वाले सेक्शन में जाते थे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक वैल्यू वाला सेक्शन देखने को मिलता है, इस वैल्यू वाले सेक्शन में जाते तो यहीं पर हमें 395 का प्लान देखने को मिलता था, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर अब 479 का प्लान ला दिया गया। इसकी वैलिडिटी भी 84 दिन है, इसमें भी 6 GB डाटा मिलता है, लेकिन इसमें आपको अनलिमिटेड ट्रू 5G देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज के शुरू में आपको किसी ट्रिक, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इस रिचार्ज के यहाँ से रिमूव होने के बाद भी आप 395 का रिचार्ज अपनी जियो की सिम पे करा पाएंगे और पूरे 84 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 6 GB डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड 5G आप उसमें यूज करवाएंगे पूरे 84 दिन के लिए। तो अगर आप भी अपने जियो के नंबर पर 395 वाला पुराना प्लान जिसमें कि आपको 84 दिन के लिए अनलिमिटेड 5G मिलता है उसको रिचार्ज करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आपनों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जियो एप्लीकेशन ओपन करके दिखा दिया, वहां से उस रिचार्ज को रिमूव कर दिया गया है। आप फोन पे, गूगल पे या कहीं और से भी इसको रिचार्ज करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको 395 का प्लान देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, आपको इस प्लान को किस तरह से एक्सेस करना है और किस तरह से रिचार्ज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने फोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जियो लिख के सर्च करना है। जियो लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आपको जियो की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कीजिए। और यहाँ पे आपको इसको एप्लीकेशन में ओपन नहीं करना है, अपने क्रोम ब्राउजर के थ्रू इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप जियो की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ऊपर आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा, इस पर टैप कीजिए और यहाँ पर अपने जियो के नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ऐसे नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना है जिसमें कोई भी एक्टिव प्लान ना, यानी कि उसमें कोई भी रिचार्ज नहीं होना चाहिए। उसी नंबर के लिए यहाँ पे 395 वाला रिचार्ज आपको शो होगा। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे नंबर से लॉगिन करेंगे जिस पे आपका ऑलरेडी कोई रिचार्ज पैक है तो आपको ये प्लान शो नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं जैसे कि अपने जियो के नंबर से यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अपने जियो का नंबर एंटर करेंगे इस तरह से आपके जियो के नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है उसमें मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 2 GB पर डे वाला प्लान एक्टिवेट है, तो इसमें मुझे 395 का रिचार्ज यहाँ पे शो नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको ऐसे नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसपे अभी तक आपने जियो का कोई भी रिचार्ज नहीं करा रखा है, आपका कोई भी एक्टिव प्लान आपके जियो के नंबर पे नहीं है, तो ही आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। जैसे आप अपने नंबर से यहाँ पे लॉगिन करेंगे जिसमें कोई एक्टिव प्लान नहीं होगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, नो एक्टिव प्लान। अब यहाँ पे आपका जो नंबर और नेम देखने को मिलता है, इसके बगल में आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको एक सेटिंग का आइकन मिलता है, आपको सेटिंग के आइकन पर टैप करना है। जैसे सेटिंग के आइकन पर टैप करेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग, सर्विस सेटिंग, जियो पे सेटिंग और माय डिवाइस का ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर सर्विस सेटिंग पर चले जाना है। सर्विस सेटिंग पर जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, तो नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टैरिफ प्रोटेक्शन का, आपको टैरिफ प्रोटेक्शन पर टैप करना है। जैसे टैरिफ प्रोटेक्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके जो नॉर्मल रिचार्ज होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे बॉटम की साइड आ जाना है। जैसे बॉटम पे आएंगे यहाँ पर आपको 1 GB 2 GB वाले टैब मिलेंगे और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अफोर्डेबल पैक, और इस अफोर्डेबल पैक पे आपको एक बार टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 395 का भी प्लान देखने को मिल रहा है और जो 155 का पहले प्लान कराते थे वो भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये प्लान आपको यहाँ पे तभी देखने को मिलेगा जब आपके जियो के नंबर पर कोई भी एक्टिव रिचार्ज नहीं होना चाहिए, उस नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तभी आपको ये प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपकी जियो की सिम पे कोई भी प्लान आपने एक्टिवेट कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको प्लान देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान हमें मिल चुका है, 395 का 84 दिन की वैलिडिटी है, 6 GB हमें यहाँ पे डाटा मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड आपको ट्रू 5 GB यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिचार्ज ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से फोन पे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग वगैरह, वॉलेट वगैरह, जहां से भी आपको पेमेंट करना पेमेंट कर दीजिए। जैसे कि गूगल पे से पेमेंट करना, गूगल पे को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए और आपका रिचार्ज इस तरह से हो जाएगा और आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी और अनलिमिटेड ट्रू 5G मिल जाएगा पूरे 84 दिन के लिए। इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी अपनी जियो की सिम पे यहाँ पे 395 वाला 84 दिन वाला प्लान कराना चाहते हैं जिसमें कि आपको अनलिमिटेड 5G नेट मिलता है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से करा सकते हैं। बस शर्त यह कि आपकी जियो की सिम में कोई भी एक्टिव प्लान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं
और आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।